हुकूमत ने आईएमएफ की शरायत मंजूर की, वजीर आजम की कुर्सी पर आईएमएफ को ही बिठा दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत आईएमएफ तनकीद, कहा कमर तोड़ महंगाई है, इलाज नामुमकिन हो गया, गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है, कर्जा पीटीआई और पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने लिया, इनके असासे बेचकर मुल्क के कर्जे उतारे जाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आटा खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। शहबाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी की मौजूदगी में मुल्क को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। सबसे गंभीर जो मामला है वो इकॉनमी है, मईशत है, और आईएमएफ से डील के ऊपर तमाम लोगों की नज़रें हैं। आलमी इदारा जो आईएमएफ का है, उनका जायज़ा मिशन 31 जनवरी को पाकिस्तान आया और तकरीबन 10 रोज़ के उनके मुज़ाकरात थे और कल रात को उनकी वापसी हुई। कंगाल पाकिस्तान की टूट गई सारी उम्मीदें, आईएमएफ ने नहीं दिए पैसे। कंगाली और बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान के दिन खराब चल रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ की टीम ने 10 दिनों तक इस्लामाबाद में डेरा डाला, हालें पलटती रही लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आईएमएफ की टीम ने शहबाज सरकार के एक एक विभाग की जांच की। इस दौरान उसने पता लगाया कि कितनी रकम किस विभाग को चाहिए है, फिर भी 7 अरब डॉलर लोन की मांग पर अब तक कुछ भरोसा नहीं दिया है। पाकिस्तान सरकार ने खुद माना है कि हमारी आईएमएफ से यही बातचीत हुई है कि आगे ये बातचीत होती रहेगी। पाकिस्तान के वित्त सचिव हमीद याकूब शेख ने कहा कि सभी मुद्दे सेटल कर लिए गए हैं और अब आगे बातचीत जारी रहने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि आईएमएफ के साथ किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और आगे क्या संभावना है। फिलहाल आईएमएफ टीम इस्लामाबाद से लौट रही है और अपनी लीडरशिप को पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट देनी है और इसके बाद 2-3 दिन में आगे क्या होगा पता चलेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी आईएमएफ ने रोक लगा दी। उसका कहना है कि लोन के बारे में कोई अंतिम फैसला लिए जाने तक ऐसा ना किया जाए। गुरुवार को मीडिया के सामने आकर पाकिस्तानी वित्त मंत्री को बयान जारी करना पड़ा लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनके घर के बाहर ही पत्रकार इंतजार करते रहे। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद भी आईएमएफ की सख्ती पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने पीओके में एक कार्यक्रम में कहा था कि आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में बैठकर हमारी हर फाइल चेक कर रही है, फाइलें अलट पलट कर रही है, लेकिन अब क्या होगा। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हर खर्च को आईएमएफ देख रहा है, फिर भी हमें जिंदा कौम की तरह जिंदा रहना है, भीख मांगकर नहीं। शहबाज ने इस संकट के समय भी कश्मीर और कौम का एजेंडा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें एक कौम के तौर पर एकजुट होना होगा और उससे ही रास्ता निकल सकता है और तमाम चुनौतियों को मात दे सकते हैं। फिलहाल आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि 10 दिनों तक इस्लामाबाद में आईएमएफ डेरा डाली रही, फाइलें पलटती रही, लेकिन हासिल अभी तक कुछ हुआ नहीं है।